फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बनाने जा रहे हैं बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। आप ये देखिए, जैसे कि ये मेरे पास नाइट लैम्प रखा है, ये भी घर की चीजों से ही बना हुआ है, इजीली अवेलेबल होने वाली चीजों से है। जैसे ये देखेंगे आप, ये पुरानी बकेट है और पुरानी बकेट से ये मैंने जूट लगा करके और कुछ ये मेरे पास मार्बल से वो लगा के इसे मैंने बनाया है। तो जैसा, और ये आईवी स्टैंड था मेरे पास पुराना रखा हुआ, उस आईवी स्टैंड पे मैंने ये बल्ब लगाया है और इसको नाइट लैम्प को बनाया है। आज हम ऐसा ही एक टेबल लैम्प बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो देखिए, ये मेरे पास पुरानी डलिया रखी थी घर में, मैंने उसी का यूज़ किया है। आप इसी टाइप से कोई डलिया ले सकते हैं या और भी कोई जो राउंड शेप में हो आपके पास, वो आप बर्तन लेकर के उससे बना सकते हैं। तो हम इस पे लगाएंगे पहले फेविकोल, आधे पे ही लगाएंगे क्योंकि हमको जूट उस पे लपेटना है। अगर पूरे पे लगाएंगे तो दिक्कत होगी जूट लगाने में। तो ये हमने फेविकोल यहाँ पे लगा लिया है आधे इसमें। अब हम ये लेंगे जूट और इस जूट को यहाँ से ऐसे लपेटना शुरू करेंगे। आप जूट की जगह पे कोई भी कलर, लोकर वुल भी ले सकते हैं, लोकर जिसको बोलते हैं, उससे भी बना सकते हैं, या लेस होती है आपके पास, लेस से भी बना सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हम इसको लपेटते चलेंगे, फेविकॉल थोड़ा थोड़ा लगाते जाएंगे और बस इसको जूट को हम इसके ऊपर डलिया पे इसी तरीके से गोल गोल लपेटते जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये डलिया हमने पूरी हमारी जो जूट की रस्सी है उससे कवर कर दी है और अब हम इसका ये ऊपर का पोर्शन है इसको भी कवर कर देंगे। तो अब ये डलिया हमारी पूरी तैयार है, इसको हमने जूट से अच्छे से पूरा कवर कर दिया है। अब हम ये स्टिक है, इस स्टिक को भी हम ऐसे ही जूट लगाएंगे और जूट से पूरा लपेट देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको भी हमने अच्छे से जूट से कवर कर लिया है। अब हमें लगेगा इसका बेस। तो इसके बेस के लिए हम ये लेंगे, आप मेरे पास ये सुरई है, आप छोटा मटका भी ले सकते हैं या सुरई भी ले सकते हैं या और भी आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन हो तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो हमने ये स्टिक को कवर किया है जूट से, इसको हम इसके अंदर खड़ा करेंगे। और तो फ्रेंड्स, अब ये जो हमारी डलिया है जिसको हमने जूट से कवर किया था, इसको पहले थोड़ा डेकोरेट कर लेते हैं। तो मेरे पास कुछ मार्बल्स हैं, तो इन मार्बल्स से ही मैं इसको डेकोरेट करूँगी। तो हम इसके कॉर्नर पे ऊपर की तरफ हम फेविकॉल लगा लेंगे और फिर हम यहाँ पे मार्बल्स को इस तरीके से स्टिक करेंगे। तो देखिए, हम इस तरीके से मार्बल यहाँ पे लगा देंगे। ये इजीली फेविकॉल से चिपक जाते हैं। तो ये इस तरीके से हम चिपकाएंगे और ये जो एक्स्ट्रा फेविकॉल है ये भी बाद में आपको दिखेगा नहीं, ये पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारी डलिया पे हमने मार्बल लगा लिए हैं और जब तक ये मार्बल सूख रहे हैं, आइए हम इस पॉट को पेंट कर लेते हैं। तो ये हमने लिया है व्हाइट फैब्रिक कलर और इस फैब्रिक कलर से हम इस पॉट को पहले पूरा पेंट कर लेंगे। तो ये पॉट हमारा अब कलर हो चुका है। अब हम इसको यहाँ पे पोल्का डॉट लगाएंगे क्योंकि यहाँ थोड़ी डिजाइन है जो उभरी हुई है, तो इसलिए हम यहाँ पे ब्लू कलर से, क्योंकि हमारे जूट के जो डलिया है उसमें भी हमने ब्लू और व्हाइट का कॉम्बिनेशन लिया है मार्बल का, तो इसलिए हम यहाँ पे भी व्हाइट और ब्लू के कॉम्बिनेशन में पोल्का डॉट बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अब कलर हो चुका है अच्छे से, इसमें हमने यहाँ दो जगह मार्बल्स भी लगा दिए हैं और अब हम इसको बल्ब का सेटअप करेंगे। तो जो हमने स्टिक लगाई थी उसको हम इसमें खड़ा कर देंगे। अब इस स्टिक के ऊपर हम लगाएंगे बल्ब। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको बल्ब लगा लिया है यहाँ पे और बल्ब को भी हमने जूट की मदद से बांध दिया है और ये बल्ब को हम इस तरीके से रख देंगे। और अब ये हमारा लैम्प लगभग रेडी है।
अब हम ये हमने जो बनाया है ऊपर डलिया जो बनाई थी हम इसको इसके ऊपर रख देंगे और अब इसको ऑन करके देखते हैं कि ये कैसा लग रहा है। तो फ्रेंड्स अब ये रेडी है हमारा लैम्प। अब हम इसकी लाइट ऑन करके देखते हैं कि ये कैसा लग रहा है। तो इसकी लाइट ऑन करेंगे और देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये लाइट ऑन करने के बाद। और अब इसके साथ ही हम आपको इस बड़े की भी लाइट ऑन करके दिखाते हैं। ये देखिए ये बड़े वाले लैम्प की भी हमने लाइट ऑन कर ली है, इसकी भी लाइट ऑन की है। कितना सुंदर लग रहा है ये देखिए। ये बल्ब हमने इसको इस तरीके से प्लेस किया है और अब ये हमने इसको ऐसे रख दिया डलिया को। देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। तो ये हमारा हो गया टेबल लैम्प और ये हमारा बड़ा वाला लैम्प। अब आप देखिए कितने घर की ही सिर्फ घर की चीज़ों से हमने इतना सुंदर लैम्प बनाया है। ये लैम्प भी हमने बकेट की मदद से बनाया है, ये डलिया की मदद से बनाया है। ऐसे ही हम कई तरीके के लैम्प अलग अलग स्टाइल में बना सकते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? अगर आपको पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।